phone it. When others doubt it out, you don't condone it. Truth be told, yourself is your toughest opponent. When your moment comes, grab hold and own it. Never let go, stand tall and hold tight. Overcoming obstacles is the objective in life. What's up, guys? Welcome back to another vlog. So after a long time, I'm riding. Almost 2-3 महीने हो गए हैं, I'm not riding at all. So this is my first ride for the financial year. So अभी तो कल मैं आ गया था चंडीगढ़ from Delhi. It took almost 5 hours. So now today it's time हो गया है. It's about 5 in the evening. And I'm heading towards the Narkanda. तो वहाँ पे दो और bikers already पहुँच गए हैं Delhi से. तो मैं यहाँ चंडीगढ़ से, me and Rajendra traveling to Narkanda. तो अभी टाइम दिखा रहा है, एटलीस्ट वी विल टेक एटलीस्ट 5 hours. दो एक्सटेंडेड वीकेंड है, 7, 8, 9. तो पूरा हिंदुस्तान चढ़ा हुआ है हिमाचल में इस टाइम. सो लेट्स सी ट्रैफिक का क्या रहेगा. बट एज फार एज आई नो ट्रैफिक बहुत होने वाला है, बिकॉज गूगल में भी दिख रहा है कि कालका में 20 मिनट का जैम है, देन शिमला में 30 मिनट्स का जैम है. सो वी आर ऑन बाइक, तो एटलीस्ट आई थिंक वी लोग zigzag करते थोड़ा बहुत निकल जाएंगे. बट लेट्स सी हाउ इट विल गो, बिकॉज आज मैं ट्रैवल भी फैट बॉय पे कर रहा हूँ, तो फैट बॉय पे थोड़ा टफ तो होगा पहाड़ पे. एंड और नारकंडा में बारिश के बाद रोड की सिचुएशन क्या होगी, और पहुँचते पहुँचते रात भी हो जाएगी, तो थोड़ा टफ तो होगा. लेट्स सी. तो इट्स ऑलमोस्ट 172 किलोमीटर्स हिल्स, तो इट विल टेक एटलीस्ट 6 hours. तो अगर बाइक से जा रहे हैं तो 8 घंटे लगेंगे, तो रात को 11 बजे से पहले पहुंचने नहीं वाले. दो फ्रेंड ने होटल बुक करके रखा हुआ है, तो वहाँ हम पहुंच जाएंगे. सो पहले इसको फ्यूल अप कराते हैं, और पोल्यूशन भी एक्सपायर है मेरा, तो वो भी कराना है अभी. सो फार सो गुड. चंडीगढ़ से निकल के आए, just switch on the camera to get the views, first glimpse of hill. देखो कितने टाइम बाद सर्कस देखने को मिला है. सी शिप के शेप में बना हुआ है पूरा. दिस इज पंचकुला, फर्स्ट व्यू ऑफ द हिल्स. चलो चंडीगढ़ क्रॉस करके वी जस्ट रीच दिस पंचकुला टोल. अभी तक कुछ भी कवर नहीं किया है, 20 किलोमीटर्स ओनली सो फार फ्रॉम मोहाली. सो लॉन्ग वे टू गो. यहाँ पे स्पीड चेक्स भी हैं बहुत सारे हैं, तो वी हैव टू राइड इन कंट्रोल. शाम को तो सब एक्टिव हो जाते हैं, ट्रैफिक भी अच्छा खासा मिलने वाला है. कल भी जब दिल्ली से चला था ट्रैफिक में चला था, अभी भी चला तो ट्रैफिक टाइम पे चला हूँ. तो जस्ट एंटर्ड हिमाचल, हाँ, और घुसते के साथ ही ठंडी हवा. अब अगले 5 घंटे इसी रोड पे और इसी माहौल में रहना है. फाइनली हिटिंग द हिमालयस. अगले 2-3 दिन यहीं रहना है, वापस नहीं जाना है. लुक एट दिस ब्यूटीफुल एक्सप्रेस वे. शिमला तक ऐसा ही रोड है, ऐसा ही रोड है. ऑल्दो उसके बाद में स्ट्रगल है, और फैट बॉय पे हूँ फिर तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल है. बट स्टिल गुड टू राइड, फैंटास्टिक. हिमाचल पे 100 जा रही है भाई, हिमाचल में के अंदर पहाड़ों में. लुक एट दिस. उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है टाइगर बॉय को, तो सटासट जाएगा. जस्ट क्रॉस दी धर्मपुर टोल. सो फार वी कवर अराउंड 40 किलोमीटर्स, स्टिल 90 किलोमीटर्स टू गो. सो कीप ऑन एडिंग. रोड की मतलब पूरे हाईवे पे लाइट्स हैं, तो बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि आई डोंट हैव एनी देनाली और एनी काइंड ऑफ ऑक्सिलरी लैम्प, तो इट्स गुड. ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बिकॉज ऑल दो खैर राजेंद्र के पास भी देनाली और fog lamps and all kind of lamps hain, so I don't need to bother about that, but still good. Look at this sunset view, ultimate. Oh, samne se aa gayi gaadi ki light, I don't know
कैप्चर होगा या नहीं होगा, बट लुक एट दिस व्यू मैन, यहाँ से देखना व्यू अल्टीमेट. आई डोंट नो वेदर कैमरा विल जस्टिफाई. लुक एट दिस सोलन सिटी इन द नाइट. Look at this Shimla and lighted Shimla. ये है finally Shimla. We are in to middle of the Shimla. तो यहाँ से हम लोग ये वाला left लेंगे, सीधा जाएंगे तो माल रोड और left लेंगे तो कुफरी and नारकंडा. So far we covered 90 kilometers in 4 hours. तो हिल्स पे तो ऐसे ही राइड होती है. बस यहाँ से लेफ्ट लेके भी पैट, यहाँ से लेफ्ट लेंगे उसके बाद में थोड़ा सा कुफी से पहले रुकेंगे, बिकॉज 4 घंटे हो गए हैं वी आर कंटिन्यूसली राइडिंग. तो थोड़ा रुक के पानी वानी पीते हैं, उसके बाद आगे फिर 1 घंटे की राइड रहेगी बस, जहाँ हमारा होटल है और जो बाकी फ्रेंड्स वहाँ वेट कर रहे हैं. सो शिमला पहुँचने के साथ ही फील हो गया कि हाँ शिमला आ गए हैं. शिमला वो वाला शिमला नहीं रहा जो आज 10-15 साल पहले हुआ करता था. बिकेम अ कंक्रीट जंगल. इतना ट्रैफिक और इतना कंक्रीट है ना, बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, पूछो मत. यहाँ पे राइट में एक HP का पंप आएगा विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट. पहले जब कुफी जाते थे तो दिस इज़ द ओनली पेट्रोल पंप जहाँ पेट्रोल डला के आप आगे जाओगे. ये रहा HP का पंप. चलो वी आर ऑलमोस्ट देयर. 1.25 घंटा और लगेगा टू रीच आवर डेस्टिनेशन. यहाँ से छोटी सी नई टनल बनी है, वहाँ से निकलेंगे.